तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले HSRP नंबर प्लेट कैसे बुक करें, यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे बुक करके अपने बाइक में लगवाएं, क्योंकि दोस्तों इस समय भारत सरकार ने इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप भारत में रहते हैं, कोई भी व्हीकल आप सभी के पास है, तो इसे मैंडेटरी कर दिया गया, आप सभी को इसे बुक करके लगवाना ही पड़ेगा। इसका क्या प्रोसेस है, मैं फुल डिटेल बात करने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप इसे अपने बाइक में नहीं लगवाएंगे तो आपको भारी चालान देना पड़ सकता है। आपको चालान से बचने के लिए इसे आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से बुक करिए, इसके बाद अपने जो है जहाँ पर बुक किए हुए पते पर इसे जाकर आसान तरीके से लगवा सकते हैं, इसे घर पर भी डिलीवर करा सकते हैं आसान तरीके से। दोनों प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला है। तो कैसे बुक करना है, चलिए मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ऑर्डर करने के लिए अपने मोबाइल फोन में सिंपली गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम सभी के मोबाइल फोन में रहता है ये। सिंपली जैसे ही ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सर्च बार आएगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है HSRP। जैसे ही HSRP टाइप करेंगे, इसके बाद सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक साइड मिल जाएगा बुक माई HSRP, यहाँ पर आपको दिख रहा है बुक माई HSRP। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जो वेबसाइट होती है यहाँ पर सिंपली ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कई तरीके के कई इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट विथ कलर स्टिकर, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ बुक। इसके बाद रिप्लेसमेंट आपका बुकिंग करने के लिए, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा वर्ली कलर स्टिकर। इसके बाद यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं जो आप ऑर्डर करेंगे, इसे ट्रैक कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो सिंपली दोस्तों हमें एक न्यू बुक करना है, आप सभी को भी एक न्यू बुक करना है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे बुक नाउ वाले ऑप्शन पे। तो चलिए यहाँ पर बुक नाउ वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे बुक नाउ वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद आगे का इंटरफेस आप लोगों को देखिएगा आगे क्या होता है। सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या क्या फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर स्टेट डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा है, सिंपली मैं बैक आ चुका हूँ। तो क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा साइट पर, यहाँ पर बैक आ चुका हूँ किसी तरीके से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब अपने गाड़ी का नंबर, इसके बाद यहाँ पर इंजन नंबर डालना पड़ेगा, लास्ट का 5 डिजिट आपको यहाँ पर इंजन नंबर और चेसिस नंबर। ऊपर आपको चेसिस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे आपको इंजन नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड एक रहेगा, इस कैप्चर कोड को डालकर यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर देते हैं। तो बारी बारी से इसे सबसे पहले स्टेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करूँगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, चेचिस नंबर डाला, इसके बाद इंजन नंबर डाला, सारा कुछ 5 डिजिट का लास्ट डालना है दोनों, चेचिस नंबर और इंजन नंबर। इसके बाद कैप्चर कोड भी फिल कर लिया है। अब सिंपली नीचे आऊँगा, क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर से मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। सो दोस्तों दोबारा डालने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगा। जैसे सही करके क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आगे का यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, आपको सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके बाद यहाँ पर भारत स्टेट दिख रहा है, इसके बाद सिंपली आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट दिख जाएगा, इसके बाद पेट्रोल टाइप दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पर नॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर वो जो है व्हीकल दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस पर आप क्लिक करके, ऊपर आपको कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करके मोटरसाइकिल सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद ऑनर नेम, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद बिलिंग एड्रेस, यहाँ पर आपको बिलिंग एड्रेस डाल देना है जो आपके RC में होगा। तो आपको RC ऑलरेडी तैयार रखना है। तो सिंपली अब आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको भारत स्टेट VV दिख रहा है, IV दिख रहा है और सिंपली सारा कुछ हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पर क्या फिल करूँगा, यहाँ पर सिंपली आपको भी डाल देना है ऑनर नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, इसके बाद बिलिंग एड्रेस। चलिए इतना कुछ मैं फिल कर लेता हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस आप सभी को बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, ऑनर नंबर, इसके बाद ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सारा कुछ फिल कर लिया है। अब हमें क्लिक कहाँ पर करना है, इस नेक्स्ट वाले बटन पे। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे जो है OTP जाएगा जो आप जो है रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दिए होंगे। तो सिंपली यहाँ पर उस OTP को यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। सो दोस्तों जैसे ही OTP डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा होम डिलीवरी, इसके बाद डीलर अपॉइंटमेंट।
तो अब दोस्तों कहीं कहीं होम डिलीवरी आपको एडवांस में चार्जेस देना पड़ता है, जैसे कि 125 रुपए और देना पड़ेगा होम डिलीवरी के लिए, और डीलर के लिए जाएंगे तो आपको 125 रुपए नहीं देना पड़ेगा। सिंपली मैं डीलर पे क्लिक करूंगा, तो चलिए मैं डीलर पे क्लिक कर लेता हूं। इसके बाद जितने भी चार्जेस लगेंगे यहां पर आपको सारा कुछ दिख जाएगा। इससे पहले आपको डीलर कहां के डीलर चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं, आप डीलर सर्च कर सकते हैं। सिंपली मैं यहां पर यूपी किया हूं, यहां पर मैं डीलर अपने एरिया का सर्च कर लेता हूं। यहां पर पिन कोड डालूंगा, सिंपली मैं यहां पर पिन कोड डालता हूं अपने एरिया का। तो जैसे ही मैं अपने एरिया का यहां पर पिन कोड डालूंगा, यहां पर सिंपली डीलर यहां पर शो हो जाएंगे कि आपके एरिया में कौन कौन से डीलर हैं, यहां पर सिंपली शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहां पर डाल देता हूं। तो यहां पर देख रहे हैं मैंने पिन कोड डाला 22 14 0, इसके बाद कृष्णा ऑटो सेल आ चुका है, इसी में मुझे बुक करना है। तो यहाँ पर 495 रुपये कन्फर्म करने हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहले आपको इस चीज को आपको ध्यान में देना, आपका यूपी सेलेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, यूपी सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरफ आपका होम है, होम पे नहीं जाना है आपको, सिंपली आपको जाना यूपी सेलेक्ट, इसके बाद आल, इसके बाद यहाँ सिर्फ डीलर को पिन कोड से सर्च करेंगे, अपने जिले का पिन कोड डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट आ जाएगा। तो सिंपली आपको कंफर्म डीलर पे क्लिक करके, इसके बाद यहाँ पर कंफर्म डीलर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आएगा। आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा, किस डेट पे आपको नंबर प्लेट लगवाना है। यहाँ पर जिस डेट पे खाली रहेगा उस डेट पे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर बुक करते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं मेरे कंडीशन में यहाँ पर 13 तारीख को यहाँ पर बुक है, उससे पहले ये अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं मिल रही मुझे। तो अवेलेबल है 13 तारीख को, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं पीएम कर लेता हूँ, 12 बजे से 2 बजे के बीच में मैं जाऊँगा, तो इसे मैं सेलेक्ट करके इसके बाद कंफर्म टू प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही कंफर्म टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आगे यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से कंफर्म प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार फिर से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन डिटेल, मोबाइल नंबर, सारी पूरे यहाँ पर जो भी एड्रेस है सारा कुछ आप देख सकते हैं। फिर से आपका यहाँ पर एक यहाँ पर आपको सेम मोबाइल नंबर रहेगा, इसके बाद यहाँ पर एक ओटीपी जाएगी, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर जो है पहले आपको नीचे आना है, पहले सारी चीज़ें यहाँ पर सेम कर देना है। यहाँ पर जो ये दिख रहा है सेम एस प्रोवाइड मोबाइल नंबर, इसके बाद नीचे जाना है, इसके बाद एग्री कर लेना है टर्म एंड कंडीशन, इसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप फोन पे जिस तरीके से आप चाहते हैं, आगे का प्रोसेस मैं आपको सभी को बताता हूँ। पहले मैंने पे ऑनलाइन पे क्लिक किया, पे ऑनलाइन पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको दिख जाएगा SRP कंप्लीटेड, यहाँ पर इसके बाद कन्वर्जन चार्ज, इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर जो भी चार्जेस लग रहे हैं, GST लग रहा है, तो अभी के लिए मैं आगे के प्रोसीड पेज पे क्लिक किया हूँ। अभी पे नाउ पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप जो भी यूज करना चाहते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, जो भी आपको UPI यूज करना है तो UPI यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है। इसके बाद जैसे आप फोन पे यूज करना चाहते हैं तो फोन पे पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके फोन पे पे ऑप्शन जाएगा। तो सिंपली चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट कर लेता हूँ। जैसे फोन पे करना चाहता हूँ तो फोन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, इसके बाद कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली फोन पे पे आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अभी के लिए डायरेक्टली फोन पे आ चुका है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते। जैसे पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। इससे आपके अपने जो जहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट लिया था वहाँ पर जाकर दिखाकर इससे जिस डेट पे अपॉइंटमेंट लिया था अपना नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। आइए दोस्तों, आप सभी को HSRP नंबर प्लेट बुक करना आ चुका होगा। अगर आप सभी को इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कहीं भी आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो क्या करें, वीडियोज को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप सभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।